स्टार्ट। आज वैसे देखा जाए तो इंग्लिश का नंबर नहीं था, पर चूंकि टॉपिक पहले से अनकम्प्लीट था, बीच पे दो तीन दिन गैप हो जाता तो शायद ये टॉपिक फिर बेहतर ढंग से समझ में नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको ले ले अपन आज और कल, और उसके बाद रेगुलर अपन वापस हिंदी सेक्शन भी अपन ले लेंगे। कल हमने पढ़ा था अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, आज है इसमें एक शब्द आएगा फाइटोप्लैंकटन, एक समुद्री घास होती है, सिंगल सेल, एक कोशिकी। और आज के इसमें इस पैसेज में एक मेटाफर छिपा हुआ है रूपक, कि छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें, बड़ी चीजें अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगी। इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता है, नहीं तो बड़ा क्वेश्चन नहीं बने तो एक दो छोटे क्वेश्चन इसमें जरूर बन सकते हैं। क्वेश्चन पे इसलिए मैं प्रेशर डाल ही रहा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपकी ग्रामर अच्छी है और यदि ट्रांसलेशन अच्छा हो गया, पूरा का पूरा टॉपिक कंटेंट है जो आपके दिमाग में बैठ गया, तो फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम राइटिंग सेक्शन में आपकी रहेगी। यहां पर देखिए स्टूडेंट और आई से लगाकर इन टू प्लेस, यहां तक कि मैंने मैसेज ले लिए हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसे हम लेते हैं और इसे देखते हैं। वैसे भी उम्मीद करता हूं कि जो अभी तक हमने जो लेसन पढ़े हैं उसको आपने घर पे जाके जरूर देखा होगा। मुझे पता है कि ये मेरी उम्मीद है काफी झूठी है, आप में से काफी लोगों ने देखा भी नहीं होगा, पर मैं अपना कर्म किए जा रहा हूं, आपका कर्म आपके हाथों में। और मैं जब कोई कर्म करता हूं तो किसी फल की उम्मीद विशेष तौर पे मैं करता भी नहीं, इसलिए आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट एंड यू हैव टू योर्स। स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विथ ऑन aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunity which will help them master a new understanding and respect for our planet। यहाँ पर एक लंबा वाक्य है, इसमें जो लेखिका वो कह रही है वो क्या कह रही है देखिए। स्टूडेंट और आइस, ये पूरा एक अभियान था, स्टूडेंट ऑन आइस अपने समुद्री जहाज का नाम सोकाल विस्की, उसका जो हेड ऑफ था, उसने एक प्रोग्राम रखा था स्टूडेंट ऑन आइस की, अर्थात कि उस अंटार्कटिका पे स्टूडेंट्स को ले जाया जाए, विद्यार्थियों को ले जाया जाए। इसका मकसद क्या था, स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विथ ऑन, एक वह स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जिसके साथ में काम कर रही थी, aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world। ये high school के जो बच्चे होते हैं, जो senior secondary school तक के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को वहां पर ले जाया जाए उस धरती के अंतिम छोर पे, दुनिया के अंतिम छोर पे। अब आप ये जो अभी जो सुन रहे हो, मुझे ये मत सोचते लगता है कि मैं बहुत लंबी लंबी टूर पे आपको ले गया हूँ पिछले 8 सालों से, तो मैं आपको अंटार्कटिका तक ले जाऊंगा, ये गलत फहमी अपने दिमाग में अभी से हटा देना, कुछ लोगों के दिमाग में आ सकती है। So aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the earth। का उद्देश्य था कि हाई स्कूल के बच्चों को धरती के अंतिम छोर तक ले जाया जाए, एंड प्रोवाइडिंग का मतलब उपलब्ध कराना, एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरणास्पद, एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक, और अपॉर्चुनिटीज का मतलब अवसर, ताकि उन बच्चों को प्रेरित करने वाला शैक्षणिक अवसर प्रदान किया जाए। एक चीज होती है घूम के आ जाना, और एक चीज ऐसी होती है जो आपके दिमाग पर क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाए और आप सोचते रहे कि क्या था ये। इन दोनों चीजों में अंतर होता है, घूमना और एजुकेशनल टूर, इसमें फर्क होता है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी which will help them faster a new understanding, ये अब ये उस धरती के अंतिम छोर तक की वो यात्रा किस प्रकार से एक शैक्षणिक अवसर देगी, एक अवसर किस प्रकार से देगी, which will help them faster a new understanding, और वहां पर उनका जाना, उन बच्चों का जाना तेज गति से उनकी समझ को विकसित कैसे करेगा, एंड रेस्पेक्ट फॉर अवर प्लेनेट, और हमारे इस ग्रह पर, धरती पर, धरती का, इस प्लेनेट का सम्मान करना सीखेंगे।
देखिए जो आज की जो पीढ़ी है वो आने वाला कल है। यदि आपको यहाँ बैठ के बताया जाए कि देखो बर्फ के कगार ऐसे पिघल रहे हैं, ग्लेशियर कैसे बेल कैसे पिघल रहे हैं, इन सब के बारे में यदि मैं यहाँ से आपको बताऊं, लाख की तरह बता दूं, लाख में इमेजेस आपको सेंड कर दूं, पर कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब तक उसकी रियलिटी उस बेस पे जाके आप उसे चेक नहीं करें, और एक बार जो जगह पे आप चले गए तो वो चीज सोचना एक अलग बात है। हमने अलग अलग जैसे पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, जाने के पहले मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ ऐसे ये वैसे होगा ये, और अचानक उस जगह पे हम चले जाते हैं अपनी आंखों के सामने वो देखते हैं तो आपके मुंह से शब्द नहीं निकलते, ओ वाओ, एक ही चीज होती है। और यही चीज ताकि हम अपने घर का सम्मान कर सके, जो बच्चे आने वाला कल है, ऑपरेशन फॉर सिक्स ईयर्स का इस अभियान को चलते हुए लगभग अब 6 साल हो गए हैं, हेडेड बाय कैनेडियन जॉब ग्रीन। और कैनेडियन जो जॉब ग्रीन नाम याद रखना, कभी कभी से क्वेश्चन भी पूछ ले सकता है, जैसे इस साल एक कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया था, उसका जो हेड ऑफ कौन था जॉब ग्रीन, हु गेट टायर्ड ऑफ कार्टिंग, कार्टिंग का मतलब उठाना सामान उठाना, हु गेट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरोसिटी सीकर। क्यों था किया था? एक्चुअल में ये जो बच्चों को ध्रुव की यात्रा ले जाने के पहले वह क्या करता था कि जॉब ग्रीन है वो जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हुआ करते थे, बहुत बड़े लोग, और ऐसे कि जो रिटायर्ड लोग हुए होते थे, और जो क्या थे क्यूरोसिटी सीकर, जो एक प्रकार से जिज्ञासु जानने की बीमारी से ग्रस्त लोग ऐसे होते थे, उन एजेंट लोगों को उनका सामान था कि वो उन्हें कहाँ ले जाता था, उस दक्षिणी ध्रुव तक ले जाता था, वो कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। और वो जो कैसे जिन लोगों को ले जाता था ऐसे रिटायर्ड लोगों को सेलिब्रिटीज लोगों को, कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। यहाँ गिव के ऊपर मैंने देखो एपोस्ट्रोफी लगा रखा है, इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रीन कह रहा है कि वह उन्हें उनका सामान उठा के उन सेलिब्रिटीज को दक्षिणी ध्रुव तक ले जाता था, और बदले में वे उसे लिमिटेड दे पाते थे। लिमिटेड दे पाने का मतलब ये होता है कि वे उस यात्रा के ले जाने लाने ले जाने का सिर्फ जो पैसा होता था वो दे पाते थे, परंतु जो ग्रीन को इससे और कुछ ज्यादा चाहिए था, कि वो ज्यादा भीतर का मतलब ही नहीं, पैसे की डिमांड उसकी नहीं थी, वह चाहता था कि इससे हटकर कुछ दिए जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो रिटायर्ड हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति जो बूढ़े हो गए हो, और जिनकी मतलब ये कि लगभग ढलती हुई शाह में बोलो, उनको यदि ज्यादा पड़ा भी ले तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला था नहीं, उनको जादू जगह पर ले जाने से भी कोई खास फायदा मिलने वाला था नहीं, इसलिए वो चाहता था कि उनकी जगह बच्चों को ले जाया जाए, ताकि वो बच्चे क्या होंगे कि आने वाले कल में इस प्लेनेट को जान पाएंगे। फिर स्टूडेंट और आइस और बच्चों के साथ दक्षिणी छोर पे जाने का मतलब कि ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर, वह उन लोगों के सामने घूमने का अवसर प्रदान कर रहा था, जो कि एक ऐसी पीढ़ी जो आने वाले समय में पॉलिसी मेकर नीतियां बनाने वाली, क्योंकि ये जो बच्चे ही आने वाला कल ले जाके बहुत बड़े लोग बनेंगे, कोई हो सके प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, कोई आईएएस बने वगैरह जो भी बने, ये भविष्य में पॉलिसी बनाने वाले मतलब रणनीति बनाने वाले नीति बनाने वाले लोग थे, जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और उन लोगों के लिए ऐसे लोगों को बर्फ पे ले जाना मतलब उनके लिए क्या था, वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस थी। उन लोगों को दक्षिणी छोर तक ले जाना उनके जीवन का जीवन को परिवर्तित करने वाला अनुभव होता, एट एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्सॉर्ब, क्योंकि इस उम्र में वो इस चीजों को आत्मसात करने के लिए तैयार थे। एक बूढ़े को कुछ नहीं सिखाया जा सकता है बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू एब्सॉर्ब, वो लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसने जिंदगी भर दूसरों को देने का ही काम किया है, जबकि एक बच्चा ऑब्जर्व करने के लिए तैयार रहता है। लर्न एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट की एक्टम, वो इन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए आत्मसात करने के लिए तैयार रहता है, सबसे बड़ी बात एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक्टम कि वह इन चीजों को क्रियान्वित कर सकता है। एक 80 साल के बूढ़े को अंटार्क्टिका पे ले जाओगे तो वो क्या सीखेगा, वो तो 2-4 साल में वैसे मर जाएगा, वो किस पीढ़ी को क्या इंस्पायरेशन देगा, नहीं दे सकता है। उसकी वजह किसी 18-20 साल के किसी बच्चे को ले जाया जाए उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी होती है, तो
तो जो दक्षिणी छोर की यात्रा में वो जो देखता है तो वो उसका जो अनुभव है वो पूरी जिंदगी भर साथ चलता रहता है, और जब भी उसे इस चीज का मौका मिलेगा तो उसे एक्ट में लाने में, अपनी क्रिया करने में वो क्या करेगा, मदद करेगा। अब अगला मैसेज है, द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, यही कारण है यह प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ। प्रश्न क्या बनेगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ द फॉर सक्सेसफुल ऑफ प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की सफलता के पीछे वजह क्या थी। इसका आप ऊपर वाला पूरा सेक्शन लिख सकते हैं कि ये जो लोग नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग जब वहां पर बच्चे जब जाते हैं तो हर चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये वो पीढ़ी जो आने वाले फ्यूचर में इट विल बी ए पॉलिसी मेकर एंड इट विल बी ए चेंजिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर लाइफ एंड मोर इम्पोर्टेंटली दे कैन एक्ट अपॉन इट, और इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसलिए ये प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए सफलता, द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, इसलिए सबसे सफलता इज बिकॉज, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, साउथ पोल का मतलब दक्षिण ध्रुव, क्योंकि सबसे पहली बात देखिए, इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, कि दक्षिणी ध्रुव के किसी भी जगह पर चले जाओ, दक्षिणी ध्रुव के किसी भी जगह पर चले जाओ एंड नॉट टू बी अफेक्टेड बाय इट, क्योंकि यह असंभव था कि कोई भी व्यक्ति दक्षिणी ध्रुव के किसी भी छोर पर चले जाए, किसी भी जगह पर चले जाए और वो उससे प्रभावित न हो, यह असंभव है। मतलब जो भी वहां पर जाएगा वहां की दृश्य को जब देखेगा, वहां के उस प्लेनेट की उस अंतिम छोर को जब देखेगा तो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए यह प्रोग्राम बहुत सफल था, क्योंकि जब एक व्यक्ति जब वहां जाके आता था, जब दूसरी पीढ़ी को अगर दूसरे लोगों को वहां के बारे में बताता था, सुबह ही बात है कि वो लोग भी वहां जाने के लिए इंसिस्ट करते होंगे, जोर लगाते होंगे, इसलिए प्रोग्राम बहुत ही सफल था। इट्स इजी टू बी ब्लेस, ब्लेस का मतलब चिंता करना, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना इसे, ये आप लोगों के लिए और मेरे जैसे तमाम लोगों के लिए है। इट्स इजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ अवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, क्या कह रहे हैं इस पर कुछ अर्थ समझ लीजिए पहले। इट्स इजी टू बी ब्लेस, ब्लेस का मतलब चिंता करना, अबाउट पोलर आइस कैप, आइस कैप का मतलब था हिमशिखर, जो ध्रुवों पे जो बड़े बड़े हिमशिखर है, बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब पिघलना। While sitting in the comfort zone, comfort zone का मतलब होता है अपने अपनी आरामदायक जगह पे बैठे रहना। Of our respective, respective का मतलब अपने अपने, latitude का मतलब अक्षांश रेखा, अक्षांश, latitude and longitude, अक्षांश और देशांतर, मतलब अक्षांश और देशांतर हमारी स्थिति है जिस जगह पर हम रहते हैं। जैसे मैं मेरे गांव टोकर में रहता हूँ तो मेरी स्थिति है पर्टिकुलर एक अक्षांश और एक देशांतर के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर कभी क्या कह रहा है देखिए, इट्स इजी टू बी ब्लेस्ड अबाउट पोलर आइस कैप मेल्टिंग, कि जो हिमशिखर जो ध्रुवों पे पिघल रहे हैं उसे उनकी चिंता करना बहुत आसान है। वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अर्थात कि अपने अपने आरामदायक जगह पर बैठकर अपने अपने अक्षांशीय और देशांतरीय लोकेशन में हिमशिखरों को पिघलते हुए देखने की बात करना, उसके बारे में सोचना, ये बहुत आसान है। बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग का मतलब सिकुड़ना। बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग, और जब अपनी आंखों से देखोगे, विजिबली जब आप अपनी आंखों से देखोगे क्या देखोगे, ग्लेशियर रिट्रीटिंग, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। ग्लेशियर कब सिकुड़ते देखिए, बहुत बड़े पहाड़ है, बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े हैं, हमारी उम्मीदों से भी बहुत ज्यादा, और वो जो कि पिछले सैकड़ों सालों से लाखों सालों से पिघले नहीं है, पर धीरे धीरे वो पिघल रहे, उनमें दरारें पड़ रही हैं उनमें से, क्योंकि बर्फ को थोड़ा भी तापमान, जितना जमने के लिए तापमान चाहिए उससे थोड़ा भी टेम्परेचर यदि उससे ज्यादा मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, पिघलना शुरू होगा। और पिछले कई सालों में वो धीरे धीरे हिम ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और जब हम अपनी आंखों से जब वहां जाके देखे, एक तो अपनी अपनी जगह पर बैठ के कहे कि यार हिमनद पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिम शिखर पिघल रहे हैं, वो बात अलग है। जब किसी जगह पर जाके आप अपने आई टू आई,
आप अपनी आंखों से जाके देखोगे कि किस प्रकार से जो बड़े बड़े हिम ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, मतलब पिघलेंगे तो जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होता रहेगा। एंड आइस सेल्विस, आइस सेल्विस का मतलब बर्फ के कगार, कगार के मतलब किनारे, बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े हैं। अब बर्फ जब पिघलेगी तो बीच में से कभी नहीं पिघलेगी, जैसे कई किलोमीटर एक बर्फ का टुकड़ा है तो उसका कहीं तो किनारा होगा, तो वो पिघलना बर्फ शुरू करेगी तो उस किनारों से शुरू करेगी, और किनारों से जब बर्फ पिघलती है आप उसने वहां से फिर क्या है कि वो बर्फ के जो कगार होते किनारे होते टूट टूट कर बहुत जोर से पानी में गिरते, सागर में गिरते। आप यदि YouTube पे चले जाओ और आप इस पे यदि लिख दो कि द वीडियो ऑफ आइस एल्विस इसके या मेल्टिंग ऑफ आइस एल्विस यदि आप लिख दोगे तो आपको वहां पर YouTube पे आप देखोगे कि किस प्रकार के दक्षिणी ध्रुव की बर्फ के जो किनारे हैं कगार है वो किस प्रकार से पिघल पिघल के और बहुत बड़ी मात्रा में वो किस में मिल रहे हैं, सागर में मिल रहे हैं। और ये जब हम आंखों से देखेंगे कॉलेस्पिंग, कॉलेस्पिंग का मतलब ढहना, कि वो बर्फ के जो कगार है वो क्या कर रहे हैं, वो ढह के सागर में जा रहे हैं। यू बिगेन टू रियलाइज, और तब तुम्हें महसूस होना प्रारंभ होता है, रियलाइज का मतलब महसूस होना, यू बिगिन टू रियलाइज और तुम महसूस करना प्रारंभ करते हो दैट द थ्रेट, थ्रेट का मतलब खतरा, थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि जिस खतरे की बात पूरी दुनिया करती है अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, जिस खतरे की बात की जा रही है वो कितना वास्तविक है। हम यहाँ बैठ के मैं कितना भी आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझाऊ आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं आपको हिमालय में ले जाकर आपको बता दूं कि देखो पिछले 100,000 साल में ये इतने सैकड़ों किलोमीटर तक के जो हिम ग्लेशियर वो बिल्कुल पिघल चुके हैं, वहां पर सिर्फ आपको भी पत्थर नजर आते हैं, तो शायद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि सैकड़ों सालों में यदि इतने हिम ग्लेशियर यदि पिघले हैं तो आने वाले सैकड़ों सालों में और कितने पिघलेंगे, और यही रफ्तार रही तो धीरे धीरे हिमालय की बर्फ गायब हो जाएगी। और वैसे भी कहा गया है कि आने वाले 100 सालों के अंदर गंगा जैसी गंगा नदियां जो विशाल का नदियां बहती है जो पूरे भारत जैसे देश का पोषण करती है वो एक दिन बहना बंद हो जाएगी, जिस दिन हिमालय की बर्फ खत्म हो जाएगी। और ये चीज यहाँ बैठे बैठे समझाओ तो आपको समझ में नहीं आएगी, पर इस चीजों को जब वहां देखो तो यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि जो चीजें आपको कम्फर्ट जोन में बैठ कर जो चीजें आप समझ नहीं सकते हो, पर उन्हीं चीजों को जाके आप देखोगे कि किस प्रकार से दक्षिण छोर में जो अंटार्कटिका में किस प्रकार से जो हिम शिखर है वो सिकुड़ रहे हैं, किस प्रकार से जो बर्फ के कगार है वो ढह के कहां पर गिर रहे हैं, सागर में गिर रहे हैं, तो आपको रियल में इस बात का पता चल जाएगा कि जिस चेतावनी की जिस खतरे की बात की गई ग्लोबल वार्मिंग वो कितना रियल है, ये आपको वहां जाके पता चल जाएगा। और शायद इसी वजह से ये जो प्रोग्राम ऑन आइस ये वाला जो प्रोग्राम था कार्यक्रम था वो इसीलिए सफल हो रहा है। अब आगे देखिए, अब पैसे कोई यदि जाना चाहे दक्षिणी ध्रुव पे तो जा सकता है, थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा, घर पर बेच के पड़ेंगे, पर आप लोग चाहो तो 15 दिन का टूर होता है अंटार्कटिका तक जा सकते हो। आप पैसे जब बहुत ज्यादा कमा लोगे कभी ऐसा कुछ हुआ तो 15 दिन के टूर पे आप अंटार्कटिका भी जा सकते हो, एक ऐसी जगह जहां पर रहा जा सकता है, वहां ऐसी फैसिलिटीज आज उपलब्ध है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, आपका इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र बहुत सिंपल है, जैसे धरती पे कहो तो लाखों करोड़ प्रकार की प्रजातियां रहती है, वहां ऐसा कुछ है ही नहीं, धरती पे लाखों हजारों प्रकार के पेड़ पौधे मिल जाएंगे, वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए सिंपल इकोसिस्टम है। एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता की कमी है, जैव विविधता की कमी का मतलब थोड़ा आप समझ लीजिए, इसे जैव विविधता की कमी का एक सीधा सा मतलब है कि वहां पर ज्यादा जीवन नहीं है, कुछ प्रकार के जीव भी आपको मिल जाएंगे वहां पर। इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव अ बिग रिपरकशन, और आप वहां पर रिपरकशन का मतलब था दुष्परिणाम। इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, यदि इसलिए वहां पर इकोसिस्टम बहुत कम है, बायोडाइवर्सिटी में जैव विविधता भी बहुत कमी है, इज द परफेक्ट प्लेस, इसलिए अंटार्कटिका एक परफेक्ट प्लेस है टू स्टडी हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशन, कि किस प्रकार से एनवायरमेंट में जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं
वो आगे जाके कितने भयंकर दुष्परिणाम लाते हैं इस बात का अध्ययन करना है तो अंटार्कटिका सबसे अच्छी जगह है। कारण क्या देखिए, जैसे उदाहरण के लिए देख रहा है, टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंकटन। माइक्रोस्कोपिक का मतलब सूक्ष्मदर्शी, फाइटोप्लैंकटन का मतलब होता है कि समुद्री घास एक विशेष प्रकार की घास होती है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंकटन दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट न्यूरोसिस एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न एशियन फूड चेन। और ये जो फाइटोप्लैंकटन घास है वो क्या करती है, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट न्यूरोसिस एंड सस्टेन। न्यूरोसिस का मतलब पोषित करना, सस्टेन का मतलब जीवित रखना। और ये फाइटोप्लैंकटन ये जो घास है वो क्या करती है, पूरे साउथर्न ओशियन फूड जो दक्षिण के जितने भी महासागर है उनकी पूरी भोजन श्रृंखला को प्रभावित करता है। फाइटोप्लैंकटन जो घास समुद्री घास है वो दक्षिणी महासागर जितने भी दक्षिण में महासागर है उन सभी की भोजन श्रृंखलाओं को पोषित करता है। अर्थात कि दक्षिणी महासागर में रहने वाले जितने भी जलीय जीव है उनको उनका पेट भरने का काम ये फाइटोप्लैंकटन करती है। जबकि व्हाट इज द फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन तो एक कोशी के जीव है, मामूली इतनी मामूली चीज है, उसके बारे में बता रहा है। दिस सिंगल सेल प्लांट्स, ये एक कोशी के जो पौधे होते हैं, दैट सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट। एसिमिलेटेड का मतलब अवशोषित। दिस सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी, और ये जो एक कोशी के जीव होते हैं सूर्य की ऊर्जा को लेते हैं टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट वंडरियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसाइज। अब क्या करता है, देखिए ये बता रहा है कि एक तो सूर्य की एनर्जी को लेता है, कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब यौगिक, इन दैट वंडरियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसाइज। कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन को ग्रहण करते हुए जो एक विशेष प्रकार के यौगिकों का ये निर्माण करता है, निर्माण करने का ये पूरा प्रोसेस चलता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। आप इसे थोड़ा समझ दीजिए, मैं थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में इसे समझा देता हूँ। हम पेड़ पौधे हमारे क्या करते हैं, धरती के पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व करते हैं और सूर्य की रोशनी की मदद से जिसमें की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं विशेष प्रकार से रिलीज कर लेते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यौगिक का निर्माण होता है जिसे स्टार्च कहते हैं। कि जो पेड़ पौधे देखते हैं उसके तने फूल पत्तियां ये सब क्या है, उसी का नतीजा है। ठीक इसी प्रकार से फाइटोप्लैंकटन घास सूर्य की प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व करके इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करती है वो फाइटोप्लैंकटन घास, की वही चीज वापस फाइटोप्लैंकटन घास पूरे समुद्री जीवों के लिए भोजन का काम करता है। साइंटिस्ट वांट दैट फर्दर डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब कमी, साइंटिस्ट वांट दैट फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंकटन। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे, क्या चेतावनी दे रहे समझिए से, वैज्ञानिक कह रहे हैं साइंटिस्ट वांट, वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, क्या चेतावनी दे रहे हैं, दैट फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, ओजोन परत में धीरे 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 कमी आती जा रही है। आप सोचिए इससे हमारी धरती के ऊपरी हिस्से में एक ओजोन लेयर बनी हुई है, ओजोन की मोटी परत बनी हुई है, परंतु धरती पे जो पॉल्यूशन है जो मीथेन गैसें होती है उन गैसों की वजह से ओजोन की जो परत है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करते हैं, पराबैंगनी किरणों का, पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम ओजोन परत जब करती है, पर वो ओजोन लेयर क्या होती हो रही है धीरे धीरे वहां से खत्म हो रही है, इसलिए सूर्य का प्रकाश सीधा क्या, इसलिए सूर्य का प्रकाश इसलिए वो जो ओजोन लेयर चूंकि खत्म हो रही है उस ओजोन लेयर के खत्म होने की वजह से सूर्य की किरणें सीधे डायरेक्टली हमारी धरती तक पहुंच रही है। बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है ये, विच
इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, और ओजोन लेयर की उस कमी की वजह से धीरे धीरे जो फाइटोप्लैंक्टन जो घास है उसकी एक्टिविटीज को बुरी तरीके से क्या करेगा, प्रभावित कर देगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लीव लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स। और ये फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज प्रभावित हुई तो जितने भी समुद्री जीव है वो सभी समुद्री जीव से प्रभावित होंगे, एंड बर्ड्स ऑफ द रेन और उस क्षेत्र के जितने भी पक्षी है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एंड द ग्लोबल कार्बन सर्किल और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो चक्र है उस पूरे चक्र को ही फाइटोप्लैंक्टन वाली घास भी प्रभावित कर सकती है। अर्थात कि जैसे ही ओजोन लेयर में कमी आ रही है धीरे धीरे, इस प्रकार से फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज प्रभावित होगी। एंड यू नो बेटर दैट फाइटोप्लैंक्टन इज द जस्ट लाइक ए फूड फॉर द ओशियन एनिमल्स, जितने भी समुद्री जो जीव है उनके लिए फाइटोप्लैंक्टन भोजन का काम करती है। इसको समझिए, बिल्कुल फाइटोप्लैंक्टन घास की श्रृंखला है। अर्थात कि आसमान से आप यदि सागर को देखें तो सागर का जो रंग नीला दिखाई देता है या हरा रंग दिखाई देता है वो उस पानी की वजह से नहीं होता है, उस पानी के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन घास है उसकी वजह से होता है। अब उस घास को क्या करती है, छोटे छोटे जो जेलीफिश है, छोटी छोटी मछलियां वो खाती है, उन छोटी मछलियों को थोड़ी बड़ी मछलियां खाती है, उन बड़ी मछलियों को शार्क मछली खा जाएगी, शार्क को व्हेल मछली खा जाएगी, और समुद्र के ऊपर जो उड़ने वाले जीव होते हैं वो डुबकी मार के सागर के अंदर डुबकी मार के उन मछलियों को खा जाते हैं। पर जैसे ही उन मछलियों को खाने के लिए यदि फाइटोप्लैंक्टन नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे जो नीचे से जो खाद्य श्रृंखला शुरू हो रही है पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी। अर्थात की फाइटोप्लैंक्टन जैसी छोटी चीज भी कितना इस पूरे दक्षिणी महासागर की उस भोजन श्रृंखला को प्रभावित कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे का बहुत ही प्रभाव, सीधा प्रभाव हम लोगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की 70-80% आबादी मांसाहारी है और उसमें से दुनिया की कम से कम 60% ऐसी आबादी है जो सीधे भोजन के रूप में सीधे सागर के ऊपर डिपेंड है। अर्थात की सागर से लाखों टन मछलियां रोज निकलती है जिसका वो सेवन करते हैं। यदि ये मछलियां निकलना बंद हो जाए उसकी जगह वो गेहूं वगैरह, गेहूं मक्का ये जो हम लोग शाकाहारी लोग खाते इसे खाने लग जाए तो गेहूं की जो रेट वगैरह अभी 200 रुपए किलो हो जाए, परंतु उनको भोजन कहां से मिल रहा है, सागर से मिल रहा है। यदि ये फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज प्रभावित होगी तो समुद्री जीव तो प्रभावित होंगे होंगे, उसके अलावा इस दुनिया में जितने भी मांसाहारी लोग हैं जो कि किसी किसी प्रकार से मछली का उपयोग करते खाने के रूप में वो भी प्रभावित होंगे। इन द पैरेबल, पैरेबल का मतलब नीति कथा, नीति कथा जिसमें अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, शिक्षा वाली बातें बताई जाती है। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन की जो कहानी अपने आप में एक नीति कथा है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन इज जस्ट ए गिविंग ए यू लार्ज मैसेज। फाइटोप्लैंक्टन वो अंटार्कटिका उस ध्रुव पे पलने वाली वो जो घास है वो आपको एक सीधा सा मैसेज दे रही है, एक नीतिगत मैसेज दे रही है। क्या मैसेज दे रही है वो घास, देयर इज ए ग्रेट मेटाफर, मेटाफर का मतलब रूपक। इस पूरे फाइटोप्लैंक्टन के इस एपिसोड में एक रूपक छिपा हुआ है, रूपक का मतलब इससे एक नई बात सामने आ रही है जो सामने दिखती नहीं है फिर भी आ रही है, जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं कि उसे जो चीज दिखती नहीं है फिर भी है फॉर एग्जिस्टेंस, और इसमें एक रूपक छिपा हुआ है अस्तित्व के लिए, पूरे सृष्टि के लिए, संसार के लिए। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग, क्या कह रहा है देखिए, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखिए, समझना इसे, देन आई विल एक्सप्लेन इट। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों का क्या करूं, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखिए, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस, बड़ी चीजें तो अपने आप ठीक हो जाएगी। देखिए व्हाट इज द मेटाफर इन दिस लाइन, हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है, हम बहुत लार्ज स्केल पे किसी चीज को करना चाहें तो फिर वो चीजें होती नहीं है कभी। कोई भी काम सफल क्यों नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टार्ट इट लार्ज स्केल, हम उसे बहुत बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं। आप ऐसे कोई बच्चा यदि चाहे कि मुझे तो मेरिट में आना 95% लाने और मुझे तो आज ही पढ़ के ले आने, यू कांट। इसके लिए जैसे किसी को मेरिट में आना, जैसे कि कोई 10th क्लास में भी है, वो यदि 6th या 7th में होता और सोच लेता कि नहीं यार मुझे मेरिट में आना है 10th में, बिल्कुल छोटी चीज, वो सिर्फ ये कर लेता कि यार 6th में हो भी मैं
चार साल में आदतें मैं ऐसी बना लूं कि रोज के तीन चार चार घंटे पढ़ूंगा या एक दो दो घंटे पढ़ूंगा या जो भी मैं पढ़ूंगा, सिक्स क्लास की जो जितनी बुक पढ़ूंगा, सेवंथ की एट की जो बुक पढ़ूंगा परफेक्टली पूरी पढ़ूंगा, अर्थात कि उसे बहुत हल्का छोटा काम करना है। दसवीं में मेरिट में आना है तो छठी की किताबों को आपको पूरी तरीके से पढ़ना होगा, वो बिल्कुल छोटा काम है, कर सकते हो। वो नहीं करोगे तो दसवीं में आप मेरिट में भी नहीं आ सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम संहिता की, छोटी चीजों को आप लोग पकड़िए, आप बड़ी चीजें अपने आप आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आपको इस संबंध में छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक शिष्य था, उसे रात को अपने आश्रम से कहीं निकलना था और आश्रम के बाहर बहुत बड़ा जंगल था और जंगल को पार करना था, अंधेरी रात थी। वो गुरु के पास गया कि गुरु मुझे आज निकलना किसी भी हाल में जरूरी है, पर सामने घना जंगल है और घना जंगल इसलिए मैं कि इसे अंधेरे में तो मैं जा नहीं सकता हूँ, मेरी खुद मदद कीजिए। उसने क्या कि जो गुरु था उसने उसे एक लालटेन पकड़ा दी, छोटी सी लालटेन। उसने देखा कि यार लालटेन से मैं लालटेन का प्रकाश तो इतना है कि एक कदम तक भी नहीं जा रहा है और एक कदम तक भी प्रकाश नहीं जा रहा है, तो इस लालटेन से मैं इतना कई किलोमीटर घना जंगल में पार कैसा करूंगा जो अंधेरे से भरपूर है। तो उसने गुरु से कहा, गुरु आप भी गजब करते हो, आपकी लालटेन तो एक कदम से ज्यादा प्रकाश दे नहीं रही है और मुझे ये सैकड़ों किलोमीटर जंगल पार करना है, मैं इस लालटेन से कैसे पार कर सकता हूँ। अब उस मूर्ख शिष्य से कौन कहे। देखिए यहाँ पर है कि आप एक कदम उठाइए, लालटेन क्या करती, आप दो कदम बढ़ते, दो कदम तक लाइट थी, फिर वो दो कदम बढ़ता तो लाइट दो कदम आगे चली जाती है, बिल्कुल छोटी चीज, पर उसको तो भी जंगल पार करना बहुत बड़ा काम करना है, एक छोटी चीज का उपयोग वो नहीं कर पा रहा है। जैसे मसलन आपको यदि एवरेस्ट पे चढ़ना हो तो सीधे एवरेस्ट पे आप नहीं उतर सकते हो, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उससे कई 150-200 किलोमीटर जब तिब्बत से आप चढ़ाई शुरू करोगे वहां से आपको पहला कदम रखना होगा, आपका वो पहला कदम एवरेस्ट के शिखर पर अंतिम कदम की गवाही भी बन सकता है। अर्थात कि छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखिए, बड़ी चीजें अपने आप सही हो जाएगी। जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग आने वाले समय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, हम उसके लिए बहुत बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, पर उससे हम चीजें सफल नहीं हो पा रही है। आज ग्लोबल वार्मिंग बेसिक वैसी है, यदि उसके लिए छोटा सा काम कर दिया जाए, इस धरती पर यदि 700 करोड़ लोग है अभी, और 700 करोड़ लोग यदि सोच ले कि इसमें से यदि हम बच्चों को छोड़ दें 200 करोड़ को छोड़ दें तो बचते 500 करोड़, बूढ़ों को छोड़ दो चलो 200 करोड़ तो बचेंगे, फिर भी 300 करोड़ लोग हमारे क्या हो जाते, बच जाते हैं। पर वो 300 करोड़ लोग ये सोच ले कि अपने काम करते सिर्फ एक पेड़ लगाएंगे तो उसे बड़ा करेंगे, कितनी छोटी, बिल्कुल मामूली चीजें, छोटी चीजें, एक पेड़ लगाएंगे उसे बड़ा कर देंगे, और 300 करोड़ लोग यदि 300 करोड़ पेड़ लगा देते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या 2 साल के अंदर ही खत्म, पर हम वैसा करेंगे नहीं, हम लार्जर देन लाइफ